नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GSV दरुण में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। और देखिए, ये जो टॉपिक है स्पेशल वीडियो और यूपी पुलिस के लिए लेके आया हूँ मैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश GK के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं, और इस 50 क्वेश्चन में से आपको जो है वीडियो के एग्ज़ाम में और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट पर्सन रखे गए हैं जो कभी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस वीडियो से एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और वीडियो के एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में आने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो वीडियो का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें भी इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लगातार मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। और देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था तो संयुक्त प्रांत, और देखिए 1937 से 1950 तक इसका जो नाम है संयुक्त प्रांत रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश को संवैधानिक नाम कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। देखिए, 1950 से पहले जो इसका नाम था संयुक्त प्रांत था, और 26 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया, जो इसका संवैधानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राजधानी क्या थी? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, 1858 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है वो आगरा रही है, फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी रही है, और 1921 से अब तक जो है जो राजधानी है वो लखनऊ है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राजधानी जो थी वो आगरा थी, आगरा के बाद इलाहाबाद रही है, और इलाहाबाद के बाद जो अब वर्तमान में है वो लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है 1947। देखिए, जब संविधान गठित किया जा रहा था तो 1947 में राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया गया था। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1989 में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। यानी कि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो उर्दू है, और उर्दू को कब अपनाया गया था, तो 1989 में अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है, देखिए क्रमशः आएगा, सर्वाधिक वाला तो है गोरखपुर, और गोरखपुर में जो 184.7 मिमी वर्षा होती है, और सबसे कम वाला जिला है मथुरा, मथुरा में केवल 55.4 मिमी वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला और सबसे कम वाला ध्यान रखना गोरखपुर और मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों से स्पर्श करती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कितने राज्यों से करती है, तो 9 राज्यों से। और देखिए दोस्तों, इसकी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी इसकी वीडियो डालने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों से और कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करती है, और इस वीडियो में जो मैं इन सभी राज्यों के नाम जो है ट्रिक के साथ आपको बताऊँगा। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको इसमें याद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो इन राज्यों से पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसकी डालने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा से लगता है? तो इसका सही आंसर है सोनभद्र जिला। देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से लगता है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से लगता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्यों की सीमा से स्पर्श होता है सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस स्थान तक सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका सही आंसर है कन्नौज से वाराणसी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है?
तो इसका सही आंसर है यमुना। उत्तर प्रदेश के कितने नगर गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं? तो देखिए 26 नगर गंगा किनारे इसके बसे हुए हैं। देखिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, ठीक है, या आगरा है, मथुरा के, कौन सा शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है। देखिए ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि 26 नगर हमारे गंगा नदी किनारे हैं, तो कौन कौन से बसे हुए हैं। अगर अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जो हूँ इसकी वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, उसमें सभी नगर जो हैं जो गंगा किनारे बसे हुए वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम एवं सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो क्रम से सबसे कम वाला है संत कबीर नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता है, और सबसे अधिक वाला है सोनभद्र जिला। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 43। देखिए 43 यानी कि 43 राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH2 जो 756 किलोमीटर यूपी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? तो देखिए 1528 में, और देखिए राम मंदिर को तोड़कर बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, देखिए आप पता है राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी, तो बाबर का सेनापति था मीर बाकी, तो मीर बाकी द्वारा 1528 में इसकी स्थापना कराई गई थी। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर है लखनऊ। और देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि बड़ा इमामबाड़ा का जो निर्माण हो किसने कराया था, तो देखिए लखनऊ के 5वें नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह द्वारा बड़े इमामबाड़ा का जो स्थापना है वो कराई गई थी। नेक्स्ट है, लखनऊ शैली के जनक किसको माना जाता है? तो उसका उत्तर है असीम कुमार हथकर। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ और किस स्थान किस नाम से स्थित है? तो इसका उत्तर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है, और उसका नाम है जो चित्रकला का संग्रहालय उसका नाम है भारतीय कला भवन, ठीक है, तो भारतीय कला भवन के नाम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है लखनऊ, और कब स्थापित की गई था? तो 1911 में इसे स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर है वाराणसी 1987। नेक्स्ट, खिचड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन सा है? तो इसका उत्तर है बिरहा। देखिए दोस्तों हम इसको जो है रागनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिरहा को हम जो है रागनी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है। बुंदेलखंड में पाई डंडा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है अहीर जाति द्वारा बुंदेलखंड में किया जाता है, और देखिए यही पाई डंडा नृत्य जो है इसे ही गुजरात में डांडिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति द्वारा महिला वेश में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है घुरिया नृत्य। देखिए राजकीय पशु यानी कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा हिरण है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है या क्रोच है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। और देखिए दोस्तों ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 और 19 जून को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश। देखिए 20% बच्चों को पता भी नहीं था कि राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का पलाश है, तो इसलिए देखिए इन्हें छोटा मत लीजिए, इन्हें याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा वीडियो में और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। और स्थापना ध्यान रखना 1866 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राज्य में पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई सर्वप्रथम? लखनऊ के अंदर। राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए 75 जिलों की संख्या है। ध्यान रखना नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है 75 है। और ध्यान रखना किस राज्य में सर्वाधिक जिलों की संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में केवल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो देखिए 25 फरवरी 1968 से 1969 तक जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और अगर देखिए यहाँ पे बात करें कि किस मुख्यमंत्री के समय में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वह चौधरी चरण सिंह थे। तो चौधरी चरण सिंह के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो देखिए ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में। और कितनी बार अब तक? 10 बार जो है लग चुका है। नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए पहली महिला थी, उत्तर है सुचेता कृपलानी। और देखिए सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार बनी थी। राज्य की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? तो उत्तर है सरोजनी नायडू, ठीक है। यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल रही हैं अब तक, केवल सरोजनी नायडू रही है। और सरोजनी नायडू भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राज्य में एक से अधिक बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर है मोहम्मद सैफी कुरैशी, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में दो बार राज्यपाल जो बने हैं केवल, वो मोहम्मद सैफी कुरैशी बने हैं। और ठीक है, एक से अधिक बार बने हैं और केवल दो बार बन चुके हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? देखिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार यूपी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान रखना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 19,98,195, ठीक है, जनसंख्या कितनी है ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की, यानी कि लगभग, लगभग में भी दे सकता है, ध्यान रखना दोस्तों कि लगभग में भी आ सकता है। तो लगभग 2,000,000 आएगी, यानी कि 20 करोड़ आएगी। तो 19,98,195 जो है यूपी की जनसंख्या है, ठीक है, तो लगभग 20 करोड़ आती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। और देखिए ध्यान रखना पहला स्थान किसका है? राजस्थान, राजस्थान पहले स्थान पर आता है। दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश आता है, और तीसरा महाराष्ट्र आता है, और चौथा उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका उत्तर है माघ मेला। देखिए माघ मेले का आयोजन जो प्रतिवर्ष वहां पे प्रयागराज में या इलाहाबाद में किया जाता है। और तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का जो है नाम बदला गया, जो उनके कभी प्राचीन नाम थे तो वो कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया है नाम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने इसमें एक करंट की वीडियो डाल रखी है परिवर्तित शहरों के, यानी कि शहरों के परिवर्तित नाम, ठीक है, डाल रखे हैं इसमें। उसमें सभी शहरों के जो नाम बदले गए हैं वो उसमें बताए गए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना वो भी जो है करंट में भी जो है आपके आने वाले एग्जाम वीडियो और यूपी पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाकर उस वीडियो को
देख लेना, उसमें सभी जिलों के शहरों के नाम जो परिवर्तित हुए वो आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आगरा। नेक्स्ट है, नककटैया मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो उसका उत्तर है वाराणसी। राज्य के किस जिलों में ढोला व लोकगीत प्रसिद्ध है? तो आगरा और मेरठ। केवल देखिए, राज्य के उत्तर प्रदेश में केवल आगरा और मेरठ में ही ढोला गीत गाए जाते हैं। राज्य की कहार जाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है चौरसिया। और देखिए, केवल जौनपुर में किया जाता है, ठीक है? जौनपुर की जो कहार जाति है उसके द्वारा चौरसिया नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को छोटी फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नोएडा। यूपी में निवास करने वाली कौन सी जनजाति दीपावली त्योहार को शोक दिवस के रूप में मनाती है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी इसमें यानी कि अगली वीडियो डालूंगा, तो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजाति हैं, जो एसटी हैं, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कितनी एसटी के लोग निवास करते हैं, कौन सी जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा निवास करती है? अगर बात करें, देखिए, थारू जनजाति ही भारत में सबसे ज़्यादा निवास करती है, सॉरी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू है। तो जनजाति से रिलेटेड मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। 1988 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, और ध्यान रखना, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि इलाहाबाद का जो नाम परिवर्तित कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और अभी तक आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मेरे चैनल के अंदर जो है परिवर्तित शहरों के नाम की जो वीडियो है वो पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और निराला आर्ट गैलरी जो स्थापित की गई थी वो 1985 में इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के। आशा करता हूँ आपको जो है इस वीडियो से अधिक क्वेश्चन जो हैं आपको वीडियो के एग्ज़ाम में जो हाल ही में होने वाला है, और जनवरी में होने वाला है आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, ठीक है, तो उस एग्जाम, इन दोनों एग्ज़ाम में इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।